गांव कैसा था 1995 में और अभी कैसा है? एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो, नारा ही हमारा पूरा भारत भ्रमण जी। मैं हूँ अपने भारत के करोड़पतियों के गांव में, जो कि इस गांव का नाम है हिवरी बाजार और महाराष्ट्र में पड़ता है। हेलो जी, तो स्वागत करता हूँ सभी का नमस्ते भारत यात्रा का एक और नए एपिसोड में। तो चलिए जानेंगे इस हिवरी बाजार के बारे में, इसके पीछे की राज। और हम लोग अभी उतरे थे, अभी मेन रोड से उतरे थे, 5 किलोमीटर दूर से पैदल चलते चलते आ रहे हम लोग, और धूप बहुत तेज है और पानी पीते पीते हम लोग आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को एक जगह लिफ्ट मिली थी, हम लोग को तो ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर के आसपास लिफ्ट मिली थी। हम लोग यहाँ से शायद 500 मीटर और ज़्यादा चलना है, फिर हम लोग गाँव पहुँचेंगे हिवरी बाजार में। तो चलिए चलते हैं। तो जी ए रहा इस गाँव का चौराहा, चलिए फिर चलते हैं। देख सकते हैं कितना मस्त बना, मैं अंदर आ चुके हैं, इतना जोर से धूप है, देख सकते हैं आप लोग 12 बज रहा है, एकदम इतना जोर से धूप है, टोपी पहन कर गांव के अंदर आ चुके हैं। ये ग्राम पंचायत है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम संदीप है। और मेरा नाम विशाल है सर। तो सर, आपके गांव के बारे में हम लोगों ने गूगल में पढ़ा, जैसे कि आपका नाम जैसे हम लोगों ने सुना, तो जिज्ञासा हुई इस गांव के बारे में हमारे आंखों से देखने के लिए और आपको देखने के लिए, और हम लकी इनफ है आप हमको मिले, बैठ के बातें कर रहे हैं हम लोग आपसे। मेरे अंदर जिज्ञासा है, जैसे कि आपकी क्या सोच थी सर सरपंच बनने से पहले इस गांव के बारे में? पहले तो मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सर। आप काफी अच्छे लिखे पढ़े हो, जॉब भी कर रहे हैं, ये सब होके भी आप पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, उसका जो अच्छी चीज़ें वो सामने लाने की और वो यूट्यूब पे डालने की, मुझे लगता है हर नौजवान ने इसी एंगल से अगर भारत दर्शन किया तो इस भारत देश की जो भी समस्या है वो समस्या का सॉल्यूशन अपने आप बाहर आ जाएगा। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत। दूसरी बात ये है कि मैं तो 12th साइंस कर रहा था, तभी स्टेट स्कूल क्रिकेट टीम के कैंप के लिए सिलेक्शन, खेलना पसंद किया, प्रैक्टिकल छोड़ दिया। बाद में आके मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया, एमकॉम तक पढ़ाई हो गई, मैं पुणे यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया खेल चुका हूँ, काफ़ी अच्छे अवसर थे मुंबई पुणे में, छोड़ के एक्सीडेंटली गांव में आके पंचायत का सरपंच बन गया निर्णय, कि जिस गाँव में घर घर में नशा थी, स्कूल नहीं था, रास्ते नहीं, बिजली नहीं, बहुत सारी समस्या थी और 95% लोग पलायन करते थे, तो सर फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, तो रोजगार भी नहीं था और भूख भी थी। बिल्कुल। तो इसी कारण गांव एक क्रिमिनल विलेज बन गया था, घर घर में लोकल लीकर बनती थी, घर घर में एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी। ऐसी हालात में हमेशा के लड़ाई झगड़े, इसके कारण गांव परेशान था। फोर्थ के बाद पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाने का मौका मिला रिलेटिव्स के सपोर्ट से, और फिर पढ़ाई हो गई ये सबका, और 89 में इस गांव में पंचायत का इलेक्शन आ गया था। अच्छा। तो गांव के लड़के बाहर के, अरे आप कुछ करो, ज़्यादातर महिलाएं, इन्होंने फोर्स किया और इसी कारण गांव में यूनानिमस निर्विरोध सरपंच बन गया। कितने वर्ष में सर? 1989। आप कितने वर्ष के थे तभी? उस वक्त 27। 27 में आप ग्राम पंचायत बने? उस वक्त तो ऐसा कोई दिमाग में नहीं था कि राजनीति करना है, सरपंच बन के काम करना है, एक ही था कि गांव की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, ऐसा आदमी गांव का सरपंच बनना चाहिए, एक ही, चलो मेरे कारण गांव की लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे, क्योंकि मेरी माँ और परिवार अपोज में था, खुद का अपना भविष्य देख, गांव के फ्यूचर के बारे में मत सोच रहा, क्योंकि मेरे बहन की शादी भी कई बाहर करनी पड़ी थी रिलेटिव के पास। अच्छा। क्योंकि गांव में मर्डर केस भी हुआ था, शराब लेके हमेशा के दंगे। अच्छा, कंडीशन नहीं था। स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट साथ में बैठ के शराब पीते थे, इतना खराब माहौल था, इतना खराब और ऐसी हालात, और एक तो गांव में सब पथरीली जमीन, पानी नहीं है,
इसके कारण रेन फिट क्रॉपिंग बेटर, बारिश हो गई तो बस उतना ही मिलने का, अगर गेहूं की रोटी खाएगा तो गांव कामयाब माना जाता था। अच्छा, तो ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा इस गांव में आने से, एक था कि खुद का एक अच्छा क्रिकेट का करियर बनाना, एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब करना और घर परिवार चलाना, बस इससे ज्यादा सोच नहीं थी मेरी। बचपन का गांव मैंने देखा था, गांव में लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर एक रेसलिंग का गांव था ये गांव। अच्छा, घर घर में रेसलर्स थे, पहलवान थे। अच्छा, तो जो प्रयास वो देखा, अरे बचपन में कितना अच्छा गांव था, 90 तक जो 76 78, 72 का ड्राउट थोड़ा बहुत पता चला, 76 82 तीन ड्राउट में जहाँ सरफेस वाटर था वो ग्राउंड वाटर 100 फीट 200 फीट नीचे चला। तो मैंने देखा क्यों ना बचपन वाला गांव तैयार करें, जो पहले हरे भरे पहाड़ थे बंजर बन गए, सारे फ्रूट के पेड़ काट के चूल्हे में जला दिए, पेड़ काट के सब चलता था, शराब बनाना, शराब पीना, या कुछ बाहर से नौटंकी वाले आ गए तो तमाशा, और इसमें पैसा लगाना, नाच गाना करना, ये चलता था। तो मुझे ये प्रेरणा मिली, चलो ठीक है कुछ दिन रुकेंगे, इस गांव के हालात में सुधार लाएंगे और खुद का अपना जॉब सर्च। तो उस वक्त कस्टम, एयर इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे जॉब हाथ में आए थे। अच्छा। स्टेट राज्य परिवहन का भी एज ए स्पोर्टमैन करके रिजर्वेशन था 5%, ऑर्डर निकलने वाली थी। तो महाराष्ट्र में 0 बजट शुरू हुआ था। बस वो खत्म होने के बाद जॉब मिल जाएगा, चलो तब तक गाँव में रुकेंगे। लेकिन परमानेंटली गांव में रुकना ये बिल्कुल सपने में भी नहीं देखा था मैंने, क्योंकि इस गांव के हालात वैसे नहीं थे। लेकिन कुछ हालात ऐसे बदल गए गांव में तो मुझे यहाँ आके रुकना पड़ा। ओ, बदला आपने सर। ओ भाई ने जब देखा मैंने गांव में, सबसे ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट मिल गया आगे आके, यूथ युवा लोग और इतनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। एक अच्छे सरपंच है, अच्छे स्पोर्ट्समैन है, लिखे पढ़े है, चलो क्यों ना हम सपोर्ट करें। लेकिन उस वक्त कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट या MLA या MP फंड ऐसा कुछ नहीं था, वो लिमिटेशन था और सिलेक्टेड स्कीम थी, लेकिन वहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं होती थी, ये परेशानी थी। तो शुरुआत हमने लोकल कंट्रीब्यूशन और श्रमदान से किया और 14,000 रुपये हमारे पंचायत अकाउंट में थे जवाहर रोजगार योजना के। 14,000 और इससे फिर हमने ये दिमाग लगाया तो स्कूल, हेल्थ सेंटर, पंचायत भवन और हनुमान जी का टेम्पल, इसका रिपेयरिंग करना था, क्योंकि बारिश आ गई तो सीधा पानी अंदर आता था। अच्छा। मड और स्टोन के मकान थे, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो देखा इसका रिपेयरिंग करेंगे, जो परेशानी स्कूल में हम लोगों ने फेस की चलो अभी ये दूर करेंगे। फिर 14,000 वो तो मेंटेनेंस के लिए रिपेयरिंग ला यूज नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही। फिर हमने 1,000 ट्रेंचेस निकाले, गड्ढे बनाए और उसमें 1,000 टैम्बरिंग के पेड़ लगवाए, सारे गांव के लोग आ गए और 50 लोगों के अकाउंट पे वो मस्टर भर दिए, पेमेंट कर दिया और वो 14,000 गांव में जमा हुआ। ये पहला स्टार्टअप है हमारा, गवर्नमेंट के फंड है, कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों का है भागीदारी, और जो पेमेंट है वो गांव के लिए जमा कर दिया। काम तो गांव के लोगों ने किया, ये हमारा मेन स्ट्रांग पावर है कि जिसके कारण ये मूवमेंट, और पिछले 35 साल से इसी सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं। आज भी लोग, अभी पंचायत का काम चल रहा है हमारा, सरपंच को बैठने के लिए चेयर नहीं है अभी तक, एंटी चेंबर भी नहीं, खाली विजिटर के लिए बनी। जो कोई डिसीजन करना है वो ग्राम सभा में बैठ के करते, सोशल ऑडिटिंग, फंड्स आ गए कितने, यूटिलाइजेशन क्या है और नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग क्या है। हर 31 दिसंबर को हमारी ग्राम सभा होती है, लास्ट ईयर का ये वैल्यूएशन और नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग। और हर 5 साल में पंचायत इलेक्शन खत्म हो गया, आ गए 5 साल, तो 5 साल का लास्ट 5 ईयर्स सारा गांव में हिसाब देते हैं। तो 95% लोग, अगर पैसा आता कैसा और जाता कैसा हिसाब सामने रखेंगे और लोगों को साथ लेके निर्णय प्रक्रिया में साथ लेंगे तो लोग अपने आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा
गवर्नमेंट फंड से क्या निकालना है ये सोच है, और यहाँ गवर्नमेंट फंड कमी है तो उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये सोच अच्छी है सर। तो हमने लोगों को ये समझाया है कि बदले अच्छा जीना है तो हर एक बूंद जमीन में डालेंगे, जो कुएं में आएगा ठीक से उसका यूज करेंगे। बस इसी कारण ज्यादा एक्सपोजर हुआ लोगों को और ये सक्सेस मिल गया। जिस गांव में जनवरी एंड को 100 फीट जाना पड़ता था ट्यूबवेल लेवल पे, और 90 कुएं थे गांव में, और रात 412 कुएं है गांव में, 412 कुएं। और वाटर लेवल आज देखो अप्रैल है, अप्रैल है, मई में आ जाओ आप, आपको 35 या 40 फीट वाटर लेवल देखने को, 35 फीट पे। एक ही कारण ट्यूबवेल बैन, खाली डगवेल जो कुआ है वही सिंचाई के लिए यूज करें। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, हमारा 5 times इनकम बढ़ गया। वाओ सर, ग्रेट। और इसमें सोशल हार्मोनी है, लड़ाई झगड़े जाति से लेके मजहब से लेके सब चीज में। एक मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद हम लोगों ने बनवाई, बहुत अच्छी बात है सर। एक ही क्रिश्चियन परिवार है, कुछ बुद्धिस्ट है, बुद्ध धाम हम लोगों ने बनवाया। वाओ सर, जाति के आधार पर ने अपनी जरूरत के आधार पर प्लान किया है। और गांव स्टैचू फ्री, स्टैचू नहीं है, हम जो आदर्श है वो जीते हैं। जैसा कि अभी अयोध्या में श्री राम आ गए, तो राम तो आ गए अयोध्या में, और मैं भी वो भाग्यशाली है जिसे 22 जनवरी अयोध्या न्यास में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पे के लिए विशेष अतिथि करके बुलाया था। और 15 दिन पहले जिस पत्थर से राम लल्ला की मूर्ति बन गई, उस मूर्ति बनाते वक्त जो पत्थर के कुछ टुकड़े बाहर निकले थे, वो कुछ भाग्यवान लोगों को उन्होंने प्रसाद के रूप में दिए, वो एक टुकड़ा हमें भी मिल गया। वाह सर, तो अभी साक्षात श्री राम हमारे गांव में आ गए, तो अभी राम कथा है हमारे, राम प्रभु राम के साक्ष्य में पहली राम कथा बनने जा रही गांव में। वाह सर, तो यही था, तो राम तो आ गए, राम राज्य कब आएगा? राम राज्य तभी आएगा जब ग्राम राज्य आएगा, क्योंकि प्रभु राम के वक्त त्रेता युग में सबसे खुशहाल लोग थे, रिजर्वेशन के लेकर लड़ाई नहीं थी, जाति पाति से लेकर लड़ाई नहीं थी, राजनीति के नहीं थी, ऊंच नीच की लड़ाई नहीं थी। राम तो तीन, लक्ष्मण जी, सीता माता और राम जी निकले ग्राम सभा से। उन्होंने क्या महल नहीं बनवाए ना, चित्रकूट में हो, नासिक में हो, रामेश्वरम में, वो तो झोपड़ी में रहे, जंगल, और आदिवासी को साथ में लिया, केवट सरोई नदी क्रॉस करने के लिए, जटायु पंचीता गिलहरी एक छोटा जीव था, शबरी माता बिल्ल समाज ट्राइबल से थे, तो सभी को साथ लिया, भरोसा दिया करके ग्राम राज्य बन गया। और ग्राम राज्य बन गया तो राम राज्य आ गया। इसलिए तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे चलो गांव की ओर, जब गांव नहीं बदलेगा तो देश नहीं बदलेगा। मैं कैलाश जाने का मौका मिला, मानसरोवर में नहाने का मौका मिला 2016 में। इस मानसरोवर से चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, सभी का वाटर सोर्स ये मानसरोवर। करीबन 33 नदियां निकलती है और पूरे आशियाई देशों का कल्याण करती है। और मुझे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामे, सब नदियों का दर्शन करने का मौका मिला, काफी घूमता हूँ। अच्छी बात, नदियां ही हमारा भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जल, जंगल, मिट्टी, पशु, तो हिवरे बाजार ने यही किया है, तो गरीबी खत्म हो गई, लड़ाई झगड़े नहीं है, ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, शौचालय हर घर में 92 में बनवाए। वाओ सर, 92 में एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो, नारा ही हमारा। जो गांव छोड़ के शहर गए वो लोग वापस गांव में आ गए। क्यों आ गए? गांव में सुरक्षितता है, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, शांति है, पुलिस वाले की जरूरत नहीं। सबसे सुरक्षित महिला और लड़कियां कहा है तो मेरे गांव में। अब थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो गांव का गांव में ही खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल है गांव संभालना, काम करना आसान है
लेकिन बनाए रखना मुश्किल है। गांव की जमीन बाहर वालों को बेचना मना है। बेचना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी लैंडलेस। और मैं देश का पहला ऐसा सरपंच हूँ जिसे पद्म पुरस्कार मिल गया। वाह सर, वेरी नाइस सर। ये मिट्टी का गौरव है, ये देश के पंचायत राज का गौरव है, ये देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारधारा का गौरव है, ये प्रभु राम का राम राज्य का गौरव है। तो गांव बनेगा तो ही देश बनेगा ना। यस सर, और गांव तभी बनेगा जब गांव का सरपंच अच्छी लीडरशिप करे। आज जीरो है बीपीएल हमारे गांव में, जीरो है क्या देश में? जीरो बजट वाला खाने वाला, हम कहते हैं हम जीरो बीपीएल वाले, चाहे गरीब हो अमीर हो, समस्या आए तो मदद करते उनके। आपको जितने भी अवार्ड मिल गए मुझे या गांव को, वो सब पैसा गांव में जमा होता। अभी पर कैपिटल 9 लाख है पर फैमिली, एक जमाने में 800 रुपए थे, सो 40,000 अभी 9 लाख रुपीज पर फैमिली पर ही। और उसमें कैश क्रॉप नहीं है, खाली ओनियन, पोटैटो, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर और डेयरी, बस सीजनेबल क्रॉप है, रिस्क नहीं है। कैश क्रॉप में रिस्क है क्लाइमेट चेंज के कारण, मार्केट के कारण, तो यहाँ कोई रिस्क नहीं। अभी हम हमारे ब्रांड से मार्केटिंग का प्लान कर रहे हैं। ले अन्ना साहब हजारी जी, जिस कमेटी के आदर्श, गांव कमेटी के आदर्श से अध्यक्ष मॉडल है प्रोग्राम, 2008 से मैं उस कमेटी का स्टेट कमेटी का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। इसी अनुभव से महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा मॉडल विलेज बन गए, जहाँ सबसे ज्यादा सुसाइड थी विदर्भा में, वहां पीछे 5-6 साल से एक भी आत्महत्या नहीं। गढ़चिरौली नक्सलाइट ही रहे, 4 साल पहले 20 जवान ब्लास्ट में शहीद हुए। उसी गांव में हमने ग्राम सभा की, गुरनोली करके गांव है गढ़चिरौली, गुरनोली एक मॉडल गांव बन गया। तो महाराष्ट्र स्टेट में वो सेकंड नंबर पे था। जहाँ ट्रेन से पानी आया लातूर में, ट्रेन से पानी पीने वाला दवन गांव लातूर डिस्ट्रिक्ट में, वो आज खुद का पानी पी रहा है। आमिर खान सत्यमेव जयते बना रहे थे, तभी हमारे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर सेकंड लास्ट एपिसोड किया था। 16-17 में उन्होंने मुंबई बुलवाया कि हमें महाराष्ट्र के ड्राउट के ऊपर काम करना है, तो उस वक्त क्या हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और महाराष्ट्र में करीबन 25,000 गांव में काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो गई, खुद आमिर जी मेरे गांव में आके गए, बस इसी मकसद से हम काम कर रहे हैं। तो जी देख लिया आप लोग ने, सर ने हम लोग को बहुत अच्छे से टाइम दिए, कम से कम 30-35 मिनट के आसपास टाइम दिए, हम लोग बैठ के समझाए, हम लोग को बातें किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे सर हैं। हम मंदिर बनी है और इधर लाइब्रेरी बनी है और ए है संसद भवन और स्कूल। तो जी आज तक जितना फोपट सर ने आज तक जितना पुरस्कार हासिल किया है सभी रखा हुआ है मतलब इस हॉल में। चलिए देखते हैं सर कितना पुरस्कार हासिल किया है। और पहले गांव कैसा था 1995 में और अभी कैसा है? इतना चेंजेस लाए हैं सर, पूरा चेंज करके रख दिए हैं। अभी पहले गांव देख कैसा रहता था, अभी कैसा, हरा भरा, पानी की कमी से पूरा सूख रहा था पूरा गांव, अभी देखिए पूरा चेंजेस हो गया। और सर ने बहुत लोगों से मिला है, देख सकते हैं आप लोग, बड़े बड़े महान लोगों से मिले हैं सर, देखिए मोदी जी से सबसे मिले हुए, आउट ऑफ कंट्री के भी लोग आए थे स्टूडेंट, देखिए इधर लिखा हुआ है। पहले इतना सूखा पड़ा था और इतना मेहनत कर सर ने कहाँ से कहाँ लाए हैं, मतलब इस गांव का पूरा नष्ट हो गया, जैसे आप बताएं वीडियो में कि गांव पूरा नष्ट हो रहा था, दारू वारू सब चल रहा था इस गांव में। अभी तक हम लोग देखे कहीं मतलब गुटखा दारू कुछ भी नहीं खाते पीता कोई है, और कहाँ से कहाँ गाँव पहुँचा दिया सर। अच्छा थैंक यू सो मच सर, आप वीडियो देख रहे हैं ना, थैंक यू सो मच दिल से। इनके जैसे लोग हर गांव में प्रधान हो जाए ना, तो अपना सच सोच रहे अपना भारत सोने की चिड़िया आ जाएगी फिर वापस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, जो अभी सब गांव में ऐसे प्रधान हो जाए, सबका सोच ऐसे ही हो जाए ना, सच बोले सोने की चिड़िया फिर कहा जाएगा। हम लोग रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, फेस वॉश कर करके आपको पूरा गाँव गाँव का टूर दिखाएंगे हम लोग। यही एक्चुअली सोने की चिड़िया आपको है। यस ये है, शुरुआत इधर से हो चुकी है, शुरुआत यहीं से हो चुकी। तो जी हम लोग का अभी पहला दुकान मिला है, जो कि जो संसद भवन बना हुआ मंदिर, संसद भवन बना हुआ अच्छे से बाजू में एक दुकान है, देख सकते हैं एक किराना दुकान। और एक दुकान जो मिला था हेयर कटिंग का, हेयर कटिंग का दुकान मिला था, दूसरा ए दुकान मिला। तो जी ए रहा इस गांव का स्कूल, जो कि ए है 1 से 10 तक है।
तो जी देखिए यहाँ पर का महाराष्ट्र भी है, देखिए यहाँ पर यहाँ बैंक भी है और एटीएम भी है, इस गांव में बैंक भी है और एटीएम दोनों मिल गया अभी, और एरा बस स्टैंड और एरा फार्मेसी का दुकान। तो जब देख सकते हैं इस गांव में पक्की रोड में बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग दोनों साइड फुटपाथ भी बना हुआ है। तो जब हम लोग इस दुकान पर रुके थे अपने आप कोल्ड ड्रिंक और चिप्स बिस्किट खाए, हाँ संदीप जी स्मार्ट गांव कैसा था अपना? स्मार्ट गांव एकदम स्मार्ट था, है ना, स्पेशली सरपंच उधर के, हाँ सरपंच भी स्मार्ट गांव भी था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखे दुकानें तो बहुत कम थी यहाँ के, और दुकानें किराने दुकान थी सिर्फ, वैसे बीड़ी सिगरेट और चाय की दुकान नहीं थी, सिर्फ किराने दुकान थी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, और यहाँ पे अलाउड नहीं है बीड़ी सिगरेट भी, हाँ कुछ भी नहीं है, फूकना भी अलाउड नहीं है, देखिए आपने कुछ भी कचरा फेंक दिया, ये भी अलाउड नहीं है, बहुत अच्छा, इसीलिए हम लोग इसको बोले स्मार्ट गांव है। और हम लोग गांव में फुटपाथ देखने को मिला, फुटपाथ मिला गांव में, फुटपाथ मिला बड़े बड़े शहरों में फुटपाथ नहीं मिलता है, बाकी इसमें फुटपाथ मिला देने चलने के, वाह वाह। और एक परिवार के लिए मस्जिद बनी थी, ये बहुत बड़ी, एक ही परिवार है उधर, हां और भी बहुत बड़ी बात है, एक ही मुस्लिम परिवार है उनके लिए सेपरेट मस्जिद बनाया। तो जी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।